करने वाली हूँ हाउस टूर मेरे घर का। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे ब्लॉग में इससे पहले लोगों को थोड़ा बहुत झलकियाँ मिल गई है बेडरूम का एंड हॉल का, किचन का भी। तो चलो, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। एंड चलो सबको बोलो वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम होम। तो चलिए दिखाती हूँ, दिस इज माइका'स हाउस। माइका'स हाउस, ओके चलो, ओके चलो चलो। तो यहाँ पे मेन डोर में, मेन डोर के पास मैंने नीचे एक डोर मैट वेलकम का लिखा हुआ है। तो आप सबको यहाँ पे वेलकम है हमारे घर में। एंड माही आ गई है, पता नहीं उसको आज बड़ा मन हो रहा है सबको वीडियो में ऐसे करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो ऐसा तोरण के टाइप का आता है ना, जो सभी लोग लगाते हैं नॉर्मली, बहुत सारे वैरायटी मिलता है, तो मैंने ये वाला लगाया है यहाँ पे। तो उसके बाद ये वाला एंट्रेंस है सीधा हॉल, डोर ओपन होते ही हमारा। तो उस हॉल के बाद साइड में किचन है, ये 2 BHK है, 2 बेडरूम है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो उसका एक ओवरऑल लुक आपको पहले दे देती हूँ। बहुत सिंपल मैंने रखा हुआ है क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, एंड शिफ्टिंग के बाद इतना सारा सामान भी नहीं खरीद के ला सकते अभी यहाँ पे प्लांट्स लगाने का। तो यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है, ये किसी ने मुझे पूछा था ये किस चीज़ का पॉट है, तो ये कॉपर का है। तो उसके बाद यहाँ पे ये टीवी स्टैंड है जो कि दिन रात आजकल चला रहता है स्कूल छुट्टी की वजह से। एक फ़ोटो फ्रेम है जो रिसेंटली उसका स्क्रू वगैरह सब कुछ ना थोड़ा सा खुल गया जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि इसके फ़ोटोज़ नहीं तो गुम हो जाएंगे। तो टूटा नहीं है ये वाला। यहाँ पे माही के फर्स्ट बर्थडे के फ़ोटोज़ है 2, एंड हमारे हनीमून्स की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद इस कॉर्नर पे सोफ़ा है, सोफ़ा रखा हुआ है, माही के चेयर्स वगैरह है। एंड दीवार में ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो है दीवार के ऊपर, यहाँ पे लगाया हुआ है ये वाला। एंड यहाँ पे बीच में जो था, तो यहाँ पे ये एक फ़ोटो जो एक हाथ में हैंडमेड है ये वाला बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पे लगाया हुआ है बस। एंड यहाँ पे ये वाले कॉर्नर पे माही की सिर्फ एक तस्वीर है, एंड यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो ये जो माही की फ़ोटो है, ये वाला भी उसका पहला जब बर्थडे था तब मैंने लिया था ये वाला फ़ोटो, उसके फर्स्ट बर्थडे के दिन। कुछ लग रहा होगा कि बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पता नहीं फ़ोटो ही ऐसा हुआ था। एंड इस कॉर्नर में माही के जो एक झूला वाला चेयर होता है वो स्विंग चेयर, एंड उसका एक जो ट्रॉली वाला आता है वो वहाँ पे रखी होती है क्योंकि वो हमेशा हॉल में ही ज़्यादातर खेलती है, तो उसका वो तो वहीं पे रहता है। एंड ये वाले कॉर्नर पे यहाँ पे एक सिंक है, एंड यहाँ पे ये फुल स्टैंड रखा है, एंड एक मिरर, वो रही मैं। एंड ये वाला जो है ना पूरी, अगर आपको पता होगा उड़ीसा में था, उड़ीसा में है पूरी, तो वहाँ पे जो बीच होता है ना, वहाँ पे बीच में ही मिलता है, वहाँ पे जो इसको शंख बोलते हैं, शंख का उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में शंख ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप लोग, तो उसका है ये वाला। तो दोनों साइड में लगाया हुआ था, एंड ऊपर मैंने एक झूमर की तरह लाइट वाला लगाया है। लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी जो कि ले नहीं पाए हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लांट्स कुछ लेना था, इंडोर प्लांट्स लेना था, आउटडोर प्लांट्स लेना था, तो वो सारा कुछ नहीं हो पाया। तो होपफुली जल्दी ये हमारे कोरोना वाले हीरो जो है यहाँ पे विलन बैठ के बैठे हैं वो चले जाएंगे, तो वो थोड़ा और करके अच्छे से दोबारा से एक अच्छा वाला करेंगे। तो ये वाला मेरा किचन है, उसको उसके साइड में ये हॉल के अटैच होके, ये वाला किचन का डिटेल्स में मैंने किचन डोर शेयर कर दिया है। ये नॉन मॉड्यूलर है, एंड इसको कैसे अरेंज किया है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत ही स्पेसियस है ये वाला। एंड प्रीवियस अगर आपने मेरा किचन डोर, वो भी है मेरे चैनल पर पहले वाले घर का, आप वो भी देख सकते हो। तो वहाँ पर चाय बैठाया हुआ है शाम के टाइम में। एंड यहाँ पर अटैच होके किचन के पास यहाँ पर एक बालकनी है, तो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके बैठने के लिए। एंड एक पेड़ वगैरह, जो हवा, अभी तो चेन्नई का वेदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अभी आज का दिन था। एंड ये अभी ग्रॉसरी कुछ लाया था तो यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ी टाइम के लिए मैं ऐसे बाहर छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। एंड ये जो वॉल है, तो वहाँ पर मैंने ये 3 फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं फ्रेम, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो यही ये जो वॉल था, ये वॉल के पास से दोनों साइड में 2 बेडरूम, ये वाला एक बेडरूम है एंड ये वाला एक दूसरा बेडरूम है। तो यहाँ पे अटैच होके एक वॉशरूम भी है, एंड एक हम लोग जहाँ पे यूज़ करते हैं मास्टर बेडरूम में, वहाँ पे भी एक अटैच वॉशरूम है।
तो ये वाला जो गेस्ट रूम बेडरूम होता है ना, वहाँ पे मैंने ये मंदिर को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो मंदिर का डेकोरेशन जब मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें पूछा था बहुत लोगों ने मंदिर कहाँ से लिया, तो वो चेन्नई से ही था, मार्केट से ही मैंने लिया था। कोई भी लोकल मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे एक टेबल है, प्रिंटर, जो कि जो भी ऑफिस का काम आजकल तो घर से ही होता है, तो वो वाला सब यहीं पर होता है, मेरा काम, महेंद्र का ऑफिस का काम। तो ये बेड पे सारे माही के खिलौने, टॉयस वगैरह उसके होते हैं, वहीं पे खेलती है, वहीं पे रखती है, कभी कभी गिरा देती है पूरे घर में, तो उसका मन। एंड यहाँ पे साइड में मैंने ये दो ड्रॉअर बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बॉक्स के लिए भी, तो इसका भी मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट व्लॉग में शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो उसके पास जो वो वाला बॉक्सेस होता है ना, तो उसमें मैं अपने सारे ड्रेसिंग की सामान वो सब रखती हूँ वहाँ पे। ये जो दो कबर्ड है, एक कबर्ड में माही एंड मेरा सामान है यहाँ पे, दूसरे में महेंद्र का सामान है, ड्रेसेस वगैरह। एंड वही अलमीरा के साइड में मैंने लॉन्ड्री का बास्केट वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो मैंने नहीं लिया है, तो मैंने क्या किया ऐसे बॉक्सेस में रखा है। एंड ये वाला विंडो ना नॉर्मली हम लोग खोलते नहीं है कभी, तो ऐसे एस शेप का जो होता है ना, वो जो हुक टाइप का ऐसा आता है एस शेप का, वो आपको किसी भी शॉप में मार्केट में 20-30 रुपीस में एक इजीली मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते ना, ऐसे कबर्ड के अंदर भी आप ऐसे जो इसे अटैच वाला आता है वैसे लगा के ये एस वाला हुक वहाँ पे लगा सकते हो। एंड ये वाला जो है बैग की तरह आपको मिलेगा ना, ये 200 रुपीस का था, अमेजोन से लिया था। अगर आपको ईयरिंग्स रखना हो तो भी आप रख सकते हो, स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड पीछे दूसरा मैंने लगाया हुआ है, तो एक एस अगर आप हुक लगाते हो ना, तो 3-4 ऐसे बैग्स आप आराम से लगा सकते हो वहाँ पे। पीछे वाला मम्मी ने बनाया हुआ था, ये मैंने खरीदा था, तो यहाँ पे मैंने सारे माही के रबर बैंड्स वगैरह रखा हुआ है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके सामान रख सकते हो, या फिर अपने के लिए आप अपने ईयरिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, या फिर कुछ और भी आप हैंकी हो गया, या फिर सॉक्स वगैरह रखने के लिए कोई कोई यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप लोग वहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे वो वाला बेडरूम हो गया। एंड ये रहा दूसरा बेडरूम। तो ये बेडरूम में मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान मैंने एक्चुअली नीचे नहीं रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी बच्ची है, सब कुछ गिर जाता है उसके हाथ से जानते बूझते। तो ये वहाँ पे एक अटैच है बाथरूम, यहाँ पे वॉशरूम ये वाला। तो यहाँ पे एक टीवी स्टैंड है, बहुत लोगों ने मेरे व्लॉग्स में पूछा था ये वाले टीवी स्टैंड का कवर, जो टीवी का कवर कहाँ से लिया, तो ये अमेज़न पे आपको मिल जाएगा इजीली। आपके टीवी का जितना भी साइज होता है ना, उस हिसाब से आपको बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ कुछ सामान मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल लैम्प मैंने रखा हुआ है, बेड साइड में नहीं रखा है क्योंकि छोटी है बेटी मेरी, कहीं गिर जाएगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ड्रॉअर, यहाँ पे माही के कलरिंग के बुक्स होते हैं, रखती है वो यहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादातर यहीं पे करती है आके, तो उसको यही ड्रॉअर अच्छा लगता है रखने के लिए, तो वहीं पे रखती है, उसके जो भी सामान है वही रखती है वहाँ पे। तो ये नीचे वाला ड्रॉअर जो है यहाँ पे मैं सारा अपना सामान रखती हूँ, जैसे रिंग लाइट हो गया, या फिर हमारा ट्राईपॉड मेरा, एंड महेंद्र के कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है यहाँ पे, स्पीकर है, माइक है मेरा, तो ये सारे उसी तरह के कुछ वायर्स है कनेक्शन के लिए। एंड ये कैमरा का मेरा पाउच है एक, तो वो वाला ड्रॉअर में वो हो गया। एंड टेबल साइड में ये मैंने एक टेबल रखा हुआ है, बेड साइड में एक टेबल रखा हुआ है, एंड एक टीवी है, बस दो ही चीज़ मैंने बेडरूम में रखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये है एक माही का फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पे एक वेपरोब है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एसी लगा के सोते हैं, तो बच्चों को ना एसी लगाते हो तो थोड़ा ये सब पास में रखो, पता नहीं कब उनको थोड़ा सा नाक में लगाने की या फिर चेस्ट में लगाने की ज़रूरत पड़े आपको आधी रात में। एंड यहाँ पे एसी का रिमोट हो गया, चार्जर हमारे पॉइंट, एंड वो वाला कोकोनट मिल्क क्रीम मैं हैंड क्रीम की तरह यूज़ कर लेती हूँ रात को ज़्यादातर। नीचे वाले ड्रॉअर में यहाँ पे एक मसाजर है ये वाला, तो ये यहाँ पे ऐसे ही होता है कभी कभार, अगर पैर में होता है दर्द या फिर कमर सीजरिन के बाद अगर मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए। मेरा कैमरा का कवर है वो, एक साईं बाबा की मेरी डायरी है, एंड ये दो बुक्स है, पढ़ने के टाइम नहीं मिलता पर ऐसे ही रखा हुआ है, कभी कभार पढ़ लेते तो पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी एक अटैच होके बालकनी है ये वाला, तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है फिलहाल। तो यहाँ पे बालकनी को कवर भी हमको करना है, लॉकडाउन के चलते यहाँ पे चेन्नई में कंप्लीट शटडाउन है, तो कुछ नहीं जा पा रहे हम लोग, कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं, तो इसको ये वाला बालकनी हम लोग ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं, एकदम खुला है। तो यहाँ पे कुछ फेरी लाइट्स मैंने लगाया हुआ है, अगर आप भी लगाते हो फेरी लाइट्स तो आप पता ही होगा कितना अच्छा लगता है बेडरूम या फिर हॉल में भी लगाने के लिए।
तो यहाँ पे एक और है हमारे हॉल को अटैच होके, यहाँ पे डोर खोलोगे तो जैसे ओपन टेरेस की तरह यहाँ पे है, तो ये वाला बहुत ही बड़ा है, खुला है, तो छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। बालकनी कह लो, ओपन टेरेस कह लो ये वाला। तो ये बाल्टी की हरकतें महीने की आया अभी, तो उसका साइकिल है यहाँ पर रखा हुआ है, एंड वॉशिंग मशीन भी यहीं पर है, तो यहीं पर सुखा के मतलब वॉश करके सुखाने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो ये मेरा सिंपल सा छोटा सा घर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय।